हरियाणा मेवात के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहीसा खान की फिर से ताजपोशी की तैयारी चल रही है। विधायक रहीसा खान की लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से विरोधियों की सांसें फूल रही हैं। विधायक रहीसा खान की लोकप्रियता से बौखला रहा है मंत्री इलियास मोहम्मद। अभद्र भाषा का इस्तेमाल मंत्री इलियास के मंच से आम सुनाई दे रहा है। पुन्हाना क्षेत्र में नहीं चलेगी कांग्रेस की लहर, यहाँ जनता का टिकट भारी है। कांग्रेस की आंधी को तूफान में बदलने का काम करेगा विधायक रहीसा खान। दीपेंद्र हुड्डा की पुन्हाना रैली में दक्षिण हरियाणा के सैकड़ों नेताओं की मेहनत से हुई थी भीड़। इस रैली का क्रेडिट मंत्री इलियास मोहम्मद को नहीं बल्कि समस्त कांग्रेस को जाता है। हरियाणा मेवात के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहीसा खान के आगे ध्वस्त हुई कांग्रेस की लहर। मंत्री इलियास को करारी शिकस्त देगा 2014 की तर्ज पर निर्दलीय प्रत्याशी रहीसा खान। विधायक रहीसा खान की चर्चा आम हो रही है। विधायक रहीसा खान की जीत का संकेत पुन्हाना की समस्त जनता दे रही है। यही कारण है जो मंत्री इलियास के मंच से विधायक रहीसा खान के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। नूह दंगा के आरोपी और कांग्रेस विधायक मामन खान जीत का दावा कर गुमान कर रहे हैं। नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर प्रसारित दीपेंद्र हुड्डा की रैली को लेकर सबसे बड़ी अपडेट। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं आज हरियाणा प्रदेश के जिला मेवात के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र की अनाज मंडी की ओर, जहां दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। मगर क्रेडिट ले रहा है प्रेजेंट विधायक मोहम्मद इलियास खान, जबकि हकीकत और सच्चाई तो यह है क्या भीड़ जो आई थी यह पूरे दक्षिण हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की भीड़ थी। इस रैली में सबसे ज्यादा भीड़ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और संसदीय सचिव बाबा जलेब खान के बेटे चौधरी इसराइल खान लेकर आए थे। इनके अलावा डेमरोद पाल से इब्राहिम इंजीनियर और इरशाद चेयरमैन भी अपना काफिला लेकर पहुंचे थे। इनके अलावा विधायक मामन खान होडल पलवल सोना ताबड़ू गुरुग्राम अन्य इलाकों की भीड़ यहाँ भारी तादाद में पहुंची थी। वरना इतनी भीड़ मोहम्मद इलियास कर सकते थे यह तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, यह इम्पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी रहीसा खान की, जो अपने हर मंच से सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा है, मगर विधायक इलियास के मंच से हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। एक बराबर के विधायक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और तांज मारा जा रहा है। इससे सब पता चल रहा है कि पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल चौधरी रहीसा खान की लोकप्रियता उरुज पर चल रही है, उन्हें बेइंतहा जनता का समर्थन मिल रहा है। वहीं इस बार एक विशाल जीत करने जा रहे हैं। यह अनुमान जो हम आपको बता रहे हैं ये टोटल जनता की राय है। हमने 50 गांव का सर्वे कर जनता से राय जानी, जिसमें सिर्फ चौधरी रहीसा खान का ही बोलबाला नजर आया। दोस्तों हकीकत और सच्चाई तो यही है जो हम आपको बता रहे हैं। जिस नेता की जितनी बुराई होती है समझ लेना वही सबसे मजबूर लीडर है, मंत्री इलियास हो या कोई और हो। मगर फिलहाल पुन्हाना से विधायक रहीसा खान बहुत मजबूत है। आखिर में फिर सुन लो, दीपेंद्र की रैली में जो भीड़ थी वो अकेले इलियास की नहीं बल्कि कम से कम 100 छोटे बड़े कांग्रेस नेताओं की भीड़ थी, यही सच्चाई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत। हरियाणा मेवात से संवाददाता अर्शद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।